ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में सुलनी ऑटो यूनियन अपनी मनमानी पर उतर आई है और वे सवारियों से दोगुना किराया वसूल रहे हैं, जिसको लेकर शहरवासियों में रोष लगातार बढ़ रहा है। ऑटो चालकों द्वारा बिना किसी अनुमति के बढ़ाए गए किराए के बारे में शहर की संस्थाएं रोज आरटीओ अधिकारी को शिकायत कर रही है, लेकिन हद तो यह है कि उसके बावजूद भी अधिकारी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। सोलन में सुलनी ऑटो यूनियन अपनी मनमानी पर उतर आई है और वे सवारियों से दोगुना किराया वसूल रहे हैं, जिसको लेकर शहरवासियों में रोष लगातार बढ़ रहा है। ऑटो चालकों द्वारा बिना किसी अनुमति के बढ़ाए गए किराए के बारे में शहर की संस्थाएं रोज आरटीओ अधिकारी को शिकायत कर रही हैं, लेकिन हद तो ये है कि उसके बावजूद भी अधिकारी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। यह जानबूझकर इन शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि अभी तक विभाग द्वारा कोई ठोस कदम ऑटो चालकों की मनमानी के खिलाफ नहीं उठाया गया है। आरटीओ अधिकारी सुरेश सिंघा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी है कि शहरवासियों से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने 70 ऑटो का निरीक्षण कर करीबन 35 का चलान भी किया है। उन्होंने कहा कि नए रेट जब तक जिला प्रशासन निर्धारित नहीं करती है, तब तक ऑटो चालक नई दर से किराया नहीं वसूल सकते, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर वे ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, ऑटो वालों का जो किराया वृद्धि का मामला था, वो उस पर हमारी चर्चा हो गई है और हमारी जो प्रपोजल है वो फाइनल उसके लिए अप्रूवल के लिए जो है सबमिट हो चुकी है और जल्दी ही जो आधिकारिक किराए हैं वो घोषित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जहां तक ये अधिक किराया वसूलने की बात है, ऑटो चालकों के द्वारा ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है, तो ये अपनी मनमर्जी से वसूल रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। हमने पीछे भी इनके खिलाफ कार्रवाई की और आने वाले समय में भी हम अगर देखेंगे, अगर इसी तरह इनकी मनमानी जारी रहती है और पब्लिक के से जो है ये ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं, तो इनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से तो वही किराया, और हम जो जनता है हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे चीज़ें हमारे नॉलेज में लाए, और हमारे ध्यान में कुछ लोगों ने लाई भी है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। लेकिन कुछ जो ऑटो चालक है या जो यूनियन वाले हैं, उन्होंने जिस तरह से पिछले दिनों में ज्यादा किराया वसूलना शुरू किया है, जो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, और ऐसे कुछ जो ऑटोज थे उनके खिलाफ हमने, ऑटो मालिक थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, और आने वाले टाइम में भी जो है वो सख्त एक्शन लेंगे। और अगर ये जारी रहता है, जैसे ही हमारे आधिकारिक किराए अभी जारी हो जाएंगे, अगर उसके बाद भी हमें कोई इशू मिलता है तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इनके खिलाफ लिया जाएगा। और मेरा इनसे, हमने बार बार अनुरोध भी किया, इनसे हमने बैठक भी की है, ये फिर भी नहीं माने, फिर हमने इनके खिलाफ एक्शन लिया और अब आगे भी कार्रवाई करेंगे अगर ये ज्यादा किराया वसूल करते हैं, अगर इसी तरह जो है इनका रवैया रहा है। पिछले दिनों में हमने लगभग 30 से 32 तक हमने जो है चालान भी किए ऑटो के, लगभग हमने कोई 60-70 के करीब ऑटो जो है वो जिनका निरीक्षण भी किया था। तो अभी आने वाले टाइम में भी हम करेंगे, अगर जिस तरह से हमें अभी भी कुछ कुछ शिकायतें हमें आ रही है, खास तौर से हमारा धोरी दीवाल है, ये हमारा लाल बत्ती चौक है और ओल्ड डीसी ऑफिस है और ओल्ड बस स्टैंड है, इस एरिया में हमें ज्यादा शिकायतें मिल रही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए आज टुडे के साथ। नमस्कार।